दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से। तो कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है जो आपको बता देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं महात्मा गांधी का विद्यापीठ का संशोधित समय सारणी जो है, इसका जो टाइम टेबल है ये वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इस पर हमने कल ही वीडियो बना दिया था और सभी लोगों ने देख ही लिया होगा, और नहीं देखा है तो देख सकते हैं आप। और यहाँ पर देख सकते हैं महात्मा गांधी का विद्यापीठ में स्नातक व स्नातकोत्तर की परीक्षाएँ 15 जुलाई से 3 पालियों में होंगी। संशोधित टाइम टेबल शनिवार को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण 1 सप्ताह के भीतर करने का लक्ष्य है। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी है कि परीक्षा केंद्रों का निर्धारण 1 सप्ताह में हो जाएगा और 1 सप्ताह के भीतर प्रवेश पत्र भी ऑनलाइन करने का निर्णय लिया गया है। मतलब 1 सप्ताह में एग्जाम सेंटर और एडमिट कार्ड दोनों आ जाएंगे। तो ये अच्छी खबर है कि 1 सप्ताह का टाइम लग सकता है और जल्दी भी आ सकता है। कुल सचिव सुनीता पांडे ने बताया कि परीक्षा की तैयारी अंतिम चरण में चल रही है। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया जारी है। परीक्षाएं 1.5 घंटे की होंगी। तो ये तो जानकारी कंफर्म हो गई है कि जो परीक्षाएं हैं ये 1.5 घंटे की ही होंगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा में 5 लघु उत्तरी व 2 दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को हल करना होगा। तो ये चीज़ जान ही गए हैं। और लघु उत्तरी प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में तथा दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 350 शब्दों में देना होगा। स्नातक में अनिवार्य प्रश्न पत्र पर्यावरण की परीक्षाएं 2 दिन कराई जाएंगी ताकि विद्यार्थियों की भीड़ कम पड़ जाए। तो आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है, 1.5 घंटे में कैसे हम अच्छा काम कर सकते हैं, क्या हम पहले से अपनी रणनीति बना सकते हैं जिससे हम एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकें, तो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं टाइम टेबल, स्नातक तृतीय व चतुर्थ खंड 15 जुलाई से 10 अगस्त तक होगा। समय इसका रहेगा सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक। और देख सकते हैं स्नातक द्वितीय खंड 15 जुलाई से 9 अगस्त तक, समय रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। और देख सकते हैं स्नातक प्रथम व चतुर्थ सेमेस्टर, ये 15 जुलाई से 7 अगस्त तक होगा, इसका समय रहेगा सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक। और देख सकते हैं स्नातकोत्तर प्रथम चतुर्थ व छठा सेमेस्टर, ये होगा 28 जुलाई से 6 अगस्त तक होगा। MSc कृषि प्रथम सेमेस्टर की बात करें तो 20 जुलाई से 4 अगस्त तक रहेगा, समय इसका रहेगा 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। और बात करें BA LLB तृतीय सेमेस्टर की तो 20 जुलाई से 4 अगस्त तक होगा, समय रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। MBA प्रथम व चतुर्थ सेमेस्टर की बात करें तो 15 जुलाई से 24 जुलाई तक रहेगा, समय रहेगा 12 बजे से लेकर 1:30 तक। 1.5 घंटे का टाइम इसमें भी है, समय 1.5 घंटे का ही टाइम है। 9 जुलाई तक आवेदन करने का मौका है। कोरोना महामारी को देखते हुए महात्मा गांधी का विद्यापीठ प्रशासन ने स्नातक व स्नातकोत्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन का एक और मौका दिया है। कुल सचिव सुनीता पांडे के मुताबिक अब ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा फॉर्म 9 जुलाई तक भरे जा सकेंगे। स्नातक व स्नातकोत्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों के एक के साथ शोध प्रवेश परीक्षा का भी आवेदन 9 जुलाई तक किया जा सकता है। तो ये कुछ जानकारी थी। एडमिट कार्ड और एग्जाम सेंटर ये भी 1 सप्ताह में ही आ जाएगा, तो वेट करें थोड़ा सा और अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो और कोई जानकारी आएगी तो हम ज़रूर बताएँगे।